हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। इसके लिए हमने लिया है मैदा, बेकिंग सोडा, शक्कर, नमक, दही और बेकिंग पाउडर। तो हमने लिया है 1 कप मैदा। हम पहले डो प्रिपेयर करेंगे। उसमें डालेंगे नमक, पिंच ऑफ शक्कर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही। ये 2 चम्मच दही है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी और पराठे के जैसा आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। अभी हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हमें टॉपिंग के लिए चाहिए पनीर, कैप्सिकम, अनियन है और टमाटर। इन सब को हमने लंबा काट लिया है। पिज़्ज़ा सॉस है, नमक, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, 1 चीज़ क्यूब और ऑयल और बेकिंग के लिए नमक। हमने पनीर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और अब हम इसे मिला लेंगे। ये मिक्स हो गया है। इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम इसे तवा पर रखकर इसे सेक लेंगे। इसे हम गोल्डन हो तब तक इसे हम सेकने देते हैं। ये हो चुके हैं गोल्डन। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बचा हुआ मैरिनेशन के हिस्से में ये हमारी अनियन डाल देंगे और कैप्सिकम। और अब हम इसे मिला लेंगे। ऊपर हम डाल देंगे ये टमाटर और एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक तक पतीला लिया है, उसमें हम डालेंगे ये नमक और इसे हम प्रीहीट कर लेंगे। और अब हम इसे ढक कर प्रीहीट होने देंगे। ये हमारा आटा भी रेस्ट होकर तैयार है। एक बार हम इसे मसल लेंगे। इसे हमने गोला तैयार कर लिया है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बेस बेल कर तैयार हो चुका है। इससे हम एक डिश पर ले लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से फॉर्क से ऐसे कर लेंगे ताकि ये फूले ना अच्छे से। अब हम इसे इसमें रख देते हैं और पहले हम 10 मिनट तक इसे आधा पकाएंगे। और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट तक रख देते हैं। ये आप कुक हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स। और अब हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारे वेजिटेबल्स। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे पनीर और फिर से हम हमारे चीज डाल देंगे। और उसके ऊपर डालेंगे हम चिली फ्लेक्स और ओरेगानो। और अब हम इसे वापस रख देंगे। और अब हम इसे ढककर फिर से 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा 15 मिनट में हो चुका है, पहले 10 मिनट और बाद में 15 मिनट। तो ये 25 मिनट में हमारा तैयार हो चुका है। आपकी गैस की फ्लेम जिस हिसाब से हो उस हिसाब से जल्दी या थोड़ा टाइम भी लग सकता है।
तो हमने नीचे उतर लिया है। तो तैयार है हमारा पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।